हे गाइस, वेलकम टू माय घरेलू नुस्खे यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे काली खांसी के लिए कुछ घरेलू उपाय, जिसे करने से आपकी काली खांसी या बहुत दिनों से आपको खांसी हो रही है, जुखाम है, नज़ला है, वो सब ठीक होगा यदि आप ये उपाय करेंगे तो। देखिए, जैसे ही मौसम बदलता है वैसे ही सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, ये सब जो है आम बीमारी है, ये जो है सबको होने लगता है। जैसे ही मौसम बदलता है, गर्मी से ठंडी की तरफ को जब मौसम चलता है या ठंडी से गर्मी की तरफ को मौसम चलता है, अक्सर ये बच्चों में, सबसे पहले जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये हमें सारी बीमारियां दिखाई देंगी। उसके बाद घर में जो भी सदस्य हो, थोड़ा थोड़ा सभी को हो जाता है जैसे ही मौसम चेंज होता है। उसके लिए हम आपके लिए एक कारगर उपाय लेकर आए हैं। सबसे पहले आप अमरूद को ले लीजिएगा। उसे यदि आप गर्म करके, हल्का गर्म करके आप उसे खाएंगे तो कैसी भी आपकी खांसी हो, काली खांसी हो, बहुत दिनों से आपको खांसी चल रही हो, हल्की हल्की खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो, ये सबसे आपको निजात मिलेगी यदि आप गर्म अमरूद करके दो समय लेंगे। एक दिन में दोनों समय आपको लेना है, इससे भी आपकी काली खांसी में आराम मिलेगा। दूसरा उपाय है, आपने लेने हैं अमरूद के पत्ते, जामुन के पत्ते और आम के पत्ते। इन तीनों पत्तों को आपने पका लेना है, उसका एक काढ़ा बना लेना है। इस काढ़े को आपने तीनों समय लेना है, सुबह, दोपहर और शाम को आधा आधा कप आपने तीनों समय लेना है। कैसी भी पुरानी खांसी हो, काली खांसी हो, या फिर खराश हो, गले में मलगम आ रहा हो, मलगम वाली खांसी हो, या हल्का फीवर रहता हो, इन सब से आपको निजात मिलेगी। ये आप काढ़ा बना करके और पी करके देखिएगा, इससे आपको जल्द ही निजात मिलेगी। आप एक दिन में ही आपको लगेगा कि हाँ, मुझे कैसे झटपट आराम हो गया है। ये खांसी के लिए एक कारगर उपाय है अमरूद गर्म करके खाने से, और दूसरा अमरूद के पत्तों के लिए खांसी के लिए एक रामबाण औषधि है, ये आपको मानना पड़ेगा। ये उपाय घर में ही आप आसानी से कर सकते हैं और आपको इससे बेहद आराम मिलेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।